और देखिए झारखंड में चौथे फेज के लिए कल वोटिंग होगी। झारखंड में 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान हो रहा है, जहां कल सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। इस फेज में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जहां 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात झारखंड की करें तो इस चरण में दुमका, गोड्डा और राजमहल में कल मतदान होना है। चौथे चरण में 2 सीट पर जेएमएम और 1 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। वहीं एनडीए में 3 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मैदान में है। तीनों सीटों पर कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए देवघर से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए 57 सीट समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल होने वाली है, क्या कुछ फिलहाल नजारा? देखिए कल आखिरी मतदान है और मौसम जो है अभी सभी जगह अभी बारिश जो है कल से थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। मौसम का मिजाज कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है, कल आखिरी चुनाव क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है अजय वहां पर? अनुष्का, नज़ारा जैसा कुछ नहीं है। कल वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से, उसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल काफ़ी तेज धूप थी, तापमान लगभग 42 डिग्री के पार चला गया था, लिहाजा यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पोलिंग बूथों पर जो पोलिंग पार्टियां रवाना होगी उसे कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर की कृपा है, बाबा भोले की नगरी में मैं मौजूद हूँ, आप मेरे ललाट पर देख रहे होंगे। आज मैंने भी पूजा पाठ किया है बाबा भोलेनाथ का अपने दर्शकों के लिए, कि हमारे न्यूज 11 के तमाम दर्शक, न्यूज 11 के तमाम परिवारों के यहाँ सुख शांति समृद्धि रहे। तो ईश्वर की कृपा हुई, कल रात में भी बारिश हुई और आज सुबह भी हल्की बारिश हो रही है, तो मौसम ने अच्छा करवट बदला है। पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों तक पहुँचने में आराम हो रहा है। कल तक स्थिति ऐसी थी अनुष्का की, लग रहा था कि हो सकता है कि पोलिंग पार्टियों को कहीं रुकना ना पड़े, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पूरे शरीर का कपड़ा भींग जा रहा था। कई जगहों पर ऐसी खबरें आईं कि मतदान कर्मी जो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कल 5 बजे जैसे ही चुनाव प्रचार थमा, शायद पोलिटिकल पार्टियों का लहर होगा, वो पोलिटिकल पार्टियों का लहर कल जैसे ही समाप्त हुआ, उस लहर की समाप्ति के बाद बारिश हुई, मौसम अच्छा हुआ और इस बार भी, इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, हल्की हल्की हवा बह रही। मैं अपने सीनियर कैमरा पर्सन नीरज नायक से कहूंगा कि थोड़ा वो पेड़ों को दिखाने की कोशिश करें, जहां मैं ठहरा हुआ हूं मौसम खुशगवार है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, हवाएं बह रही हैं, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर राहत महसूस कर रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि कल गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 19 लाख से ज्यादा वोटर हैं, तो तमाम लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम इस बार 65% के आसपास वोटिंग होगा, तो गोड्डा एक रिकॉर्ड बनाएगा। तमाम प्रत्याशी आज सुबह से ही अपने अपने पोलिंग बूथों को मैनेज करने में लग गए हैं, कहाँ कहाँ कौन अभिकर्ता होगा, कैसे चीजें होंगी, पर्ची पहुंची कि नहीं, इन तमाम चीजों का जो वोटिंग के पहले जो होमवर्क होता है वो लगभग आज संपन्न करा लिया जाएगा। उम्मीद यही है कि मौसम अच्छा है, सूर्य भगवान ने आज अपना तेवर थोड़ा ठंडा रखा है, कल अच्छा वोटिंग होगी। मतदाताओं के लिए तमाम पोलिंग बूथों पर डॉक्टर की व्यवस्था है, गर्मी को देखते हुए नींबू पानी की व्यवस्था थी, व्हील चेयर की व्यवस्था है, 16x16 का त्रिपाल टेंट लगाया गया, वैसे ही जैसे किसी घर में शादी ब्याह होता है तो टेंट की व्यवस्था होती है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मतलब यह कि कहीं से भी किसी भी वोटर को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा फर्ज बनता है वोटरों का, कल शनिवार है, परसों रविवार है, कहीं ऐसा ना हो, रात में भी मैंने कहा था कि जो लोग हैं वोटर वो 2 दिनों की छुट्टी ना माने, इसे अपने घर में रहे, वोटिंग करके फिर 2 दिनों की छुट्टी मनानी है वो आराम से कम कल शनिवार को यह समझें कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में वो अपनी जो उनकी जो सेवा है एक वोटर के रूप में वो वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। वोट ना देने के बाद फिर 5 साल का वक्त वापस नहीं लौटेगा,
कैसा प्रत्याशी चुना जाएगा, कौन संसद जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तमाम बातों पर कल वोटिंग के बाद से यदि आप चर्चा करते हैं, वोट ना देने के बाद, तो यह माना जाएगा कि आपकी चर्चा में किसी प्रकार का दम नहीं है, आप ऐसे ही फालतू बात कर रहे हैं। वोट देने के बाद यदि कोई चर्चाएं होती है तो यह समझा जाता है कि सार्थक चर्चा है अनुष्का। बिल्कुल अच्छा है, और कल का दिन बेहद ही खास होगा, और खासकर देखिए मौसम में ने करवट ली है तो वोटर्स लोगों को भी जो है राहत मिली है, और इस वजह से जो है काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे वोटिंग करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो गर्मी काफी पड़ रही थी इस वजह से अभी फिलहाल राहत दिखती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। आ जाए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।